जिन शहीदों ने अपनी आजादी के लिए शहादत दी और जिन सत्याग्रहियों ने अपने जिंदगी की कुर्बानियां दी अपनी आजादी के लिए, उनके आंसू बरस रहे हैं इस मुल्क को क्या हश्र हो रहा है वो देखकर। पर उसके बाद एक और ख्याल आया कि आपका हौसला देखकर वही शहीद वही सत्याग्रही आपके ऊपर अपनी दुआएं बरसा रहे हैं कि आप उनके बनाए हुए हिंदुस्तान की आजादी को टिकाए रखने के लिए आज भी उतना ही गर्मी अपने दिलों में रखते हैं। ये आग है, ये आग इस मुल्क को के पूरे मुल्क को लगनी चाहिए, ये बुझेगी नहीं। हमें आजादी की लड़ाई 200 साल लड़नी पड़ी थी, 2 महीने क्या मायने रखते हैं? अगर हमें आजाद होना है तो और लड़ते रहेंगे। अब वो वक्त आ गया है कि हम छोड़ नहीं सकते, किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं रख सकते, ये जिम्मेदारी हम सबको लेनी है। क्योंकि मैं तो सिर्फ खून से बापू का वंशज हूं, तुम अपने कार्यों से बापू के वंशज हो, ये भूलना नहीं। मुझे लगता है कि मुझसे आज ज्यादा तुम पर बापू को नाज होता कि मेरे मुल्क का बच्चा इस मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बानी देने को तैयार है। भगत सिंह तुमको दुआएं देते कि इस मुल्क की रक्षा करने के लिए आज भी भगत सिंह की कुर्बानी देने का जज्बा रखने वाले यहां रहते हैं। पर सबने आपको बताया, किसी ने लॉ से बताया कि क्यों खराब है, किसी ने सोशल जस्टिस की दुआइयां दी, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सारे जो कानून है वो इसलिए खतरनाक है कि उनको इंप्लीमेंट करने वाला गद्दार है और इसलिए इनका विरोध करना चाहिए क्योंकि उसकी नीयत खराब है, उसकी नीयत में खोट है, वो करना कुछ और चाहता है और हमें उलझाए रख रहा है किसी और चीज में, और इसलिए इसके उसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। अगर एनपीआर की बात करें तो वो कहते हैं वो तो ये सेंसस की बात है, सिर्फ पॉपुलेशन का अंदाज ले रहे हैं, पर इस शहर को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि सन 84 में वही इलेक्टोरल रोल्स और राशन कार्ड्स और वो सब को यूज करके उन्होंने सिखों को आइडेंटिफाई किया था और उनको मारा था। 92-93 में मेरे शहर मुंबई में इलेक्शन कार्ड्स और इलेक्शन रोल्स के ऊपर से उन्होंने मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, और 2002 में अहमदाबाद में वही चीज की गई थी। ये याद रहे कि जितना भी पर्सनल डेटा सरकार के हाथ में जाएगा उसका नाजायज फायदा वो उठाएंगे उनको विक्टिमाइज करने के लिए, इसलिए ये खराब है क्योंकि हमारी सुरक्षितता इसमें खतरे में आ जाती है, हमारा अस्तित्व इसमें खतरे में आ जाता है और हमें टेररिज करने का एक और शस्त्र सरकार के हाथ में जाता है, इसलिए इसकी का विरोध करना बहुत जरूरी है। बाकी हर चीज फिलोसॉफिकली बोली जाती है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारे अस्तित्व को खतरा है और इसका प्रमाण हमारे पास है। इस राष्ट्र में जब भी दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, तो सरकारी ताकतों ने ऐसे ही रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करके जिन लोगों को विक्टिमाइज करना था वो विक्टिमाइज किया, और अब कोई ऐसा भरोसा नहीं है कि अब की सरकारें ये नहीं करेगी, और इसलिए इसका विरोध होना बहुत जरूरी है। यहां पुलिस खड़े थे बहुत संख्या में, अब शायद कम दिखाई दे रहे हैं, शायद बरसात के कारण हो सकता है, पर मैं उनको भी कहूंगा कि अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है आजादी मांगने के लिए, क्योंकि कितने बरसों तक सरकार की गुलामी करते रहोगे? तुम सरकार के मुलाजिम नहीं हो, तुम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुलाजिम हो और तुम्हारा धर्म है इस देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, उनके सर फोड़ना पैर तोड़ना तुम्हारा काम नहीं है। अब जागो, गुलामी की जंजीरें तोड़ो और आजादी की लड़ाई लड़ो अपने लिए। हमारे लिए हमदर्दी ना हो तो अपने लिए हमदर्दी रखो, अपनी जमीर के लिए हमदर्दी रखो। ये जरूरी है, ये पुलिस हमारी भाई बहन है बेचारे लाचार होकर उन हरामखोर नेताओं की गुलामी करने में मजबूर हो जाते हैं, और इसलिए
हमें उनके साथ हमदर्दी दिखानी है। गुलामों से हमेशा हमदर्दी जताइए, उनका तिरस्कार मत करिए। वो बेचारे होते हैं, हम बेचारे नहीं होते, क्योंकि हम किसी को ये अधिकार नहीं देते कि हम बेचारे कहेंगे, हमें बेचारे कहे। वो इस सरकार का मंशा कितना कपटी है उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। यहां आने से पहले मैं गांधी स्मृति गया था। गांधी स्मृति में बापू की शहीदी के स्थल पे गया और उधर मेरी आदत के मुताबिक बिरला हाउस में लगे प्रदर्शनी देखने गया। मुझे बहुत सदमा हुआ कि पहले वहां पर फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसों, जिसने बापू की हत्या के बाद बापू की अंत्येष्टि की तस्वीरें ली थी, उसका प्रदर्शन वहां लगा रहता था। उन तस्वीरों में बापू की मृतदेह और उसके इतिहास, उस घटना का इतिहास प्रदर्शित किया जाता था, लिखा के जाता था। इस बार वो पूरा प्रदर्शन वहां से गुम हो गया। जब मैंने वहां लोगों को पूछा कि वो तस्वीरें कहाँ गई, तो मुझे कहा गया कि जब नवंबर में मोदी साहब आए थे तो उन्होंने वो तस्वीरें हटवा दी वहां से। वो तस्वीरें हटने का बहुत बड़ा दुख नहीं है, लेकिन उस तस्वीरों के साथ जो इतिहास लिखा हुआ था उसका, अब वहां जाने वाले लोगों को वो इतिहास पता नहीं चलता। इस सरकार की जो मंशा है वो इसमें से दिखती है कि वो इतिहास, इस मुल्क के इतिहास को मिटाना चाह रहे हैं और नया इतिहास लिखना चाहते हैं। जिन्होंने बापू का कत्ल करवाया वही उस कत्ल का इतिहास मिटा रहे हैं। मुझे शक है कि आने वाले दिनों में जहां बापू की शहादत हुई वहां एक वो लोग ये ना लिख दे कि दिस इज द स्पॉट वेयर महात्मा गांधी कमिटेड सुइसाइड। गुजरात में ये प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों से, ये हंसने की बात नहीं है, ये उनकी साजिश है। ये इस तरीके से हमें भ्रमित करना चाहते हैं।